हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सनी व्लॉग्स। मैं हूं आपका होस्ट सनी सिंह। आज मैं एक सिक्किम सीरीज के ऊपर एक और वीडियो लेके आया हूं। आज है डे वन सिक्किम जर्नी का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से टाइम की आपको फ्लाइट या ट्रेन करनी चाहिए जिससे आपको बेनिफिट हो। अगर आप सिक्किम एक्चुअली में आपका एक पूरा स्टेट टूर है और ये आपका हिमालयंस में है, तो इसकी कुछ स्पेशल पैकिंग में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, आपको पैकिंग अगर आप कर रहे हैं सिक्किम की तो आपको किन किन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए जो आपको हेल्प करेगा सिक्किम के लिए। और आप वहाँ पे कहाँ पे रुक सकते हैं गैंगटॉक में, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आपके वहाँ पे फूड के क्या क्या ऑप्शंस हैं, हर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो एंड तक बने रहें हमारे साथ। चलो गाइस, मिलते हैं बिना किसी देरी के इस म्यूजिक के बाद। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पैकिंग से रिलेटेड, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हम स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पैकिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर आप सिक्किम का प्लान कर रहे हैं तो आप अगर चाहे किसी भी मौसम में जा रहे हैं, आइदर आप समर में जा रहे हैं, विंटर में जा रहे हैं, मानसून में जा रहे हैं, किसी भी वेदर में जा रहे हैं, तो गर्म कपड़े अपने साथ लेना मत भूलिए। वहाँ पर आपकी हाइट की वजह से आपका वहाँ पर वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। वहाँ पे कभी भी ठंडी और तेज हवा तो वहाँ पे चलती रहती है, तो गर्म कपड़े लेना बिल्कुल मत भूलें अपने साथ। और ग्लव्स, कैप, ये आपके मस्ट हैं, जरूर लेके जाएं, इनकी आपको वहाँ पे जरूर जरूरत पड़ेगी। और दूसरा पॉइंट, वहाँ पे थोड़ा सा आपका हाइट पे है तो मेडिसिन लेना बिल्कुल मत भूलें। मेडिसिन में आप बेसिक मेडिसिन जैसे वॉमिट की और आपकी फीवर की, कफ एंड कोल्ड की, बैंडेजेस या फिर ग्लूकोज, ये चीज़ें आप बेसिक चीज़ें हैं, ये अपने साथ जरूर रखें, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप वहाँ पे कई रिमोट लोकेशंस हैं जैसे लाचेन, लाचुंग, नॉर्थ सिक्किम, तो वहाँ पे आपका कभी कभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में इशू हो सकता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपने साथ कैश जरूर लेके जाएं, आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपका कैश। आपके अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होती तो आप कैश से पेमेंट कर पाएंगे। और जो चौथा पॉइंट है, और वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स, आपका परमिट के लिए वहाँ पे आपका आधार कार्ड वैलिड नहीं है, तो उसके लिए आप वोटर कार्ड, पासपोर्ट की कॉपी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ये आप ले सक कैरी कर सकते हैं। आधार कार्ड वहाँ पे नहीं चलेगा, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखना। और कुछ फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जरूर अपने साथ रखना, परमिट में वो यूज़ होंगी आपकी। तो ये तो थी आपके लिए कुछ पैकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब हम आगे चलते हैं सफ़र की तरफ, निकलते हैं अपने सफ़र पर। आपको मैं मिलता हूँ सीधा एयरपोर्ट पे, आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो फ्लाइट से या ट्रेन से रिलेटेड जरूरी है, तो मिलते हैं उस पे। तो दोस्तों, मेरी पैकिंग तो हो चुकी है, अब सारी डन। अब मैं निकल चुका हूँ दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। रात के बज रहे हैं अभी 3। मेरी जो फ़्लाइट है वो है अर्ली मॉर्निंग की, 6 o'clock की। आप जब तक थोड़ा सा रास्ते का मज़ा लें, मैं सीधा मिलता हूँ आपको एयरपोर्ट पर। वैसे दोस्तों, रात में ड्राइव करने का एक अलग ही मज़ा आता है, खाली खाली रास्ते, चमचमाती लाइटें, एक अलग ही आनंद देता है। तो आप भी कमेंट में बताएं आपको भी नाइट ड्राइव कैसी लगती है। दोस्तों, मैं आ चुका हूं दिल्ली एयरपोर्ट पे। जो मेरी फ़्लाइट है वो है टर्मिनल 2 से। तब तक मैं अपना लगेज चेक इन और बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करता हूँ, मिलता हूँ आपको बोर्डिंग प्लेन पे। अगर आपको एयरपोर्ट प्रोसेस से लेके कोई भी डाउट या क्यूरी है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उस सारी क्यूरीज़ के आंसर दूंगा। आपको टर्मिनल 2 में रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, आपको हर चीज़ मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो अब मेरा टाइम हो चुका है बोर्डिंग का, तो अब मैं चलता हूँ प्लेन पे। मैंने गो एयर से बुक करी है अपनी फ़्लाइट 6 o'clock की। तो अब हम आ चुके हैं प्लेन में। तो मैं आपको आने का कुछ बेनिफिट्स बताता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है, आपकी फ़्लाइट थोड़ी सी लो कॉस्ट, सस्ती होती है अर्ली मॉर्निंग की एज़ कम्पेयर टू बाकी टाइमिंग। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो आप चेक कर सकते हैं, तो आप भी उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। बट अर्ली मॉर्निंग की अगर आप फ़्लाइट करा रहे हैं तो आप थोड़ा सा टाइम बफर लेके चलें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट में आता है भीड़ काफ़ी होती है, तो आप उस हिसाब से अपना टाइम थोड़ा बफर टाइम लेके चलें। और जो सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, जो मेरी जो फ़्लाइट है वो है बागडोगरा की। सिक्किम में अभी इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया एयरपोर्ट बनाया है, पैक्योंग एयरपोर्ट, बट वहाँ पे आपको ज़्यादा फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं होंगी। वहाँ पे सिर्फ एक स्पाइस जेट की ही अभी ये फ़्लाइट चलती है, वो बहुत लिमिटेड है। आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको अपने लोकेशन से पैक्योंग एयरपोर्ट की फ़्लाइट मिलती है तो आप वहीं की कराएँ।
वहाँ से गैंगटॉक का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर है। काफ़ी टाइम और मनी भी बचेगा। अगर आपको पैक्योंग की मिलती है तो वहीं की कराएं। मैंने जो वापसी की जो फ़्लाइट कराई थी वो पैक्योंग से ही कराई थी, बट कुछ चेंजेस होने की वजह से स्पाइस जेट ने वो फ्लाइट मेरी कैंसिल कर दी है। तो उन्होंने मुझे उसी सेम डे की बागडोगरा से की फ़्लाइट चेंज करके दे दी है। तो अगर आपकी भी फ़्लाइट कैंसिल होती है पैक्योंग से तो आप उसकी टेंशन ना लें, स्पाइस जेट आपको ऑटोमेटिकली सेम डे पे ही बागडोगरा से फ़्लाइट आपको दे देगा वो। तो जो सेकंड बेनिफिट मैं आपको बता रहा था, तो बागडोगरा मैं पहुंच जाऊंगा 8 बजे। वहां से जो गैंगटॉक का डिस्टेंस है वो है आपका 100-115 किलोमीटर, तो उसमें जो आपके 5 से 6 घंटे लगते हैं, तो मैं जो गैंगटॉक में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 2-3 बजे के अराउंड पहुँच जाऊँ दोपहर में, और रेस्ट करके शाम को मैं मार्केट भी घूम सकता हूँ। आप भी जो फ़्लाइट बुक करा रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग कराएं कि आप भी गैंगटॉक 2 या 3 बजे तक पहुँच जाएं, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं बागडोगरा एयरपोर्ट। मैंने जो कैब बुक करी है वो फैब कैब से बुक करी है, टूर एंड ट्रैवल से। काफ़ी मैंने चेक किया और रेट्स पता किए काफ़ी जगह पे, तो मुझे सबसे बेस्ट इन्हीं का लगा। तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। फैब कैब कंपनी से मुझे ड्राइवर पिक करने आ गए हैं बागडोगरा एयरपोर्ट पे। तो अगर आप भी फ्लाइट से आ रहे हैं, अगर आपने पहले कैब बुक करी है तो सबसे बेस्ट है। अगर आप वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हैं, आपको एयरपोर्ट के बाहर ही शेयर्ड कैब या प्राइवेट कैब सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप कॉस्ट की बात करें तो शेयर्ड कैब का जो कॉस्ट है आपको वो 400-500 पर पर्सन के हिसाब से पड़ेगा गैंगटॉक तक का, और जो प्राइवेट कैब है आपको वो 2000 से 3000 के बीच में पड़ेगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल का बटन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। आपके एक लाइक से सब्सक्राइब से हमें और मोटिवेशन मिलेगी और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। आप अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो सिक्किम में तो कोई रेलवे स्टेशन अभी तक नहीं है, स्टेशन मिलेगा वो है आपका न्यू जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी जंक्शन। तो आप इंडिया के किसी भी स्टेशन से यहाँ दोनों स्टेशन की आप ट्रेन ले सकते हैं, आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। ये दोनों स्टेशन आपके वेस्ट बंगाल में पड़ते हैं। अगर आपने न्यू जलपाईगुड़ी तक की ट्रेन ली है तो आप स्टेशन से बाहर निकल के आप वहाँ से शेयर्ड कैब या प्राइवेट कैब भी ले सकते हैं, बट जो व्हीकल्स हैं वहाँ पे आप थोड़े कम, वहाँ शेयर्ड ऑटो करके आप सिलीगुड़ी जंक्शन तक आ जाएं। सिलीगुड़ी जंक्शन के बाहर आपको ईजिली शेयर्ड कैब्स, प्राइवेट कैब्स, बसेस आपको सब मिल जाएगा। जो कॉस्ट की बात करें तो हम आपको जो शेयर कैब की जो कॉस्ट है सिलीगुड़ी जंक्शन से गैंगटॉक तक की वो आपको 400 पर पर्सन के अराउंड पड़ेगी, और 150 से 200 फॉर नॉन एसी और 300 टू 400 फॉर एसी की कॉस्ट पड़ेगी। और अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आना चाहते हैं, प्राइवेट कैब से आना चाहते हैं, तो आपको 25 से 3000 के बीच में कॉस्ट पड़ेगी इसकी। तो अब हम गैंगटॉक की ओर चलते हैं। गैंगटॉक आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आपकी जर्नी गैंगटॉक से ही स्टार्ट होगी। आप कहीं भी जाएंगे तो गैंगटॉक से स्टार्ट करेंगे। सिक्किम की कैपिटल है और काफ़ी अच्छा बना रखा है, मार्केट वगैरह बहुत ही अच्छी है। अब मैं आ चुका हूँ गैंगटॉक में अपने होटल में। आपको अगर स्टे से रिलेटेड बात करें तो आप गैंगटॉक में एन नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे स्टे के लिए। आपको वहाँ पे होटल, होम स्टेज, अगर आप बैकपैकर्स हैं तो आपके लिए हॉस्टल्स सब अवेलेबल हैं। जो कॉस्ट की बात करें तो आपको 700 से स्टार्ट होके 7000-8000 कॉस्ट तक जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं जो आपको सूट करे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा ट्राई करें होटल MG मार्ग के आसपास ही लेने का, ताकि आप शाम को मार्केट एक्सप्लोर कर सकें, और जो नेक्स्ट डे आप टैक्सी वगैरह लेंगे नेक्स्ट डे में तो वो भी आपको इजीली MG मार्ग से मिल जाएंगी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही। और जो मैंने होटल लिया है वो लिया है जैन ग्रुप से, रॉयल रेजिडेंसी। ये आपका काजी रोड पे है, जस्ट MG मार्ग से 2 या 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इसके जो रूम्स हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन है, स्टाफ भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। जो इसकी मुझे कॉस्ट की बात करें तो मैंने 2 रूम्स लिए थे, मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ सिक्किम। तो जो मुझे सुपर डीलक्स रूम है वो मुझे पड़ा था 2000 पर नाइट का, और फैमिली रूम मुझे पड़ा है 3000 पर नाइट का, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड। तो आप भी चेक कर सकते हैं, अच्छा होटल है। तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं सीधा MG मार्ग पे। रात का टाइम है, अब मैं आ चुका हूँ MG मार्ग पे। MG मार्ग दोस्तों बहुत ही अच्छा बना रखा है, शाम को जरूर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर टाइप की शॉप्स मिली, टी शॉप मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप यहाँ से चाय पत्ती जरूर लेके जाएं। सिक्किम आए हैं, सिक्किम और दार्जिलिंग की चाय तो बनती है, यहाँ से आप जरूर लेके जाएं, टेस्ट आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और अगर हम खाने से रिलेटेड बात करें, यहाँ पे ऑफ ऑप्शंस हैं रेस्टोरेंट्स के, जिसमें आपको नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन खाना इजीली अवेलेबल हो जाएगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यहाँ का लोकल फूड भी ट्राई करें। अगर आप घूमने आए हैं सिक्किम और लोकल फूड ना ट्राई नहीं करेंगे तो थोड़ा सा अधूरा है, ट्राई जरूर करें, अच्छा लगेगा तो बार बार आप ट्राई कर सकते हैं।
और लोकल फूड्स के जो रेस्टोरेंट्स हैं उसके लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। जो यहाँ फेमस डिशेस हैं जैसे कि आपकी थुप्पा, मोमोज, सेला रोटी, आलू दम, शुरपी, गुंदरूक, ये आपकी कुछ फेमस डिशेज़ हैं, इनको आप ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। तो आप जब तक थोड़ा सा मार्केट का एंजॉय करें। तो दोस्तों को आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछें, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा उस कमेंट पे। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल के पे बने रहें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल बटन पर प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ, वंदे भारत।